आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मैं तो तुमसे बंधी रहूं, तुमसे बंधी रहूं, बंधन तुम्हारा प्यारा हो गया, बंधन तुम्हारा प्यारा। दोस्तों, मियां बीवी थे और उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन बीवी अपने पति से बहुत नाराज थी, नाराज रहती थी हमेशा, क्योंकि इतने सालों में भी उनके पति ने उनको एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दिया था, छोटा सा तोहफा भी नहीं दिया था। एक दफ़े उनके पति जो थे वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, बीवी बैठी हुई थी और उन्हें ख्याल आया कि अरे आज तो मेरा जन्मदिन है, मेरा बर्थडे है, काश मेरे पति मेरे साथ होते। फिर सोचा कि होते भी तो क्या करते, एक गुलाब का फूल भी ला के नहीं देते। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, खट खट खट। उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला, पोस्टमैन ने उनको एक लेटर दिया, साइन करके लेटर लिया, खोल के देखा तो दंग रह गई। उनके पति ने उनको उनके बर्थडे पे 5,000 का चेक भेजा था। यकीन नहीं आया कि इतना कंजूस आदमी 5,000 का चेक कैसे भेज सकता है। चश्मा लगा के ज़रा गौर से पढ़ा तो ठंडी हो गई। 5,000 के आगे लिखा था किसेस, 5,000 किसेस का चेक भेजा था। बड़ा गुस्सा आया, चेक को फोल्ड किया, जेब में डाल लिया। चार पांच दिन के बाद जब उनके पति आए तो आते ही कहने लगे, हाय डार्लिंग, हा मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पे 5,000 किसेस का चेक भेजा था, मिला कि नहीं मिला? बीवी ने मुंह बना के कहा, हाँ मिला, लेकिन आप तो थे नहीं, आपके पार्टनर से मैंने कैश करवा लिया। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये जोक क्यों सुनाया। इसकी भी एक वजह है, क्योंकि आज जिस हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ वो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले दौर की सबसे ज़्यादा मशहूर हीरोइन थी। बहुत शानदार थी, बड़ी जानदार थी, बहुत बिंदास और बेबाक थी। बिंदास और बेबाक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने हिंदी फिल्मों में सबसे पहले किस देने की प्रथा उन्होंने शुरू की थी, और वो भी 1933 में। और वो थी बेहद हसीन, खूबसूरत और बहुत अच्छी सिंगर देविका रानी। मार्च 1908 में पैदा हुई थी देविका रानी विशाखापट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में है, एक बहुत ही अमीर और रईस खानदान में, बंगाली हिंदू परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम था मनमथनाथ चौधरी, वो कर्नल थे, डॉक्टर थे और बहुत बड़े जमींदार थे। देविका रानी की माँ का नाम था लीला देवी चौधरी, वो बहुत पढ़ी लिखी थी और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की नीस थी। देविका रानी का पूरा नाम था देविका रानी चौधरी। प्यारे प्यारे सपने हमारे, जन्म जन्म तक संग रहे हम, जन्म जन्म तक संग रहे हम, कभी न हो न्यारे। प्यारे प्यारे सपने हमारे। देविका रानी बहुत छोटी सी थी, सिर्फ 9 साल की, तो उनके माँ बाप ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया, इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने लंदन में एक्टिंग और म्यूजिक का कोर्स किया। वो बहुत हरफन मौला थी, यानी हर कला में माहिर थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने लंदन में आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के कोर्स भी किए। इंग्लैंड में देविका रानी की मुलाकात हुई वहाँ के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो हिमांशु राय से।
उन दिनों वो एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था अ थ्रो ऑफ डाइस। देविका रानी जब उनसे मिली, बातें की, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई और उनकी असिस्टेंट बन गई। दोनों एक साथ काम करते थे, रोज़ मुलाकातें होती थी, एक दूसरे को पसंद करने लगे, पसंद मोहब्बत में बदल गई, दोनों को मोहब्बत हो गई और दोनों ने शादी कर ली 1929 में। शादी के बाद दोनों ने मिलकर वहीं एक फिल्म बनाई 1933 में, दो भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में, और उस फिल्म का नाम था कर्मा। हीरोइन थी देविका रानी और हीरो थे खुद उनके पति हिमांशु राय। I know, but I have arranged the hunt for the morning after the annual festival, when everyone will be in a good humor. In any case, my people will obey me. And your priests? And are the priests my people also? Certainly. 1934 में दोनों वापस इंडिया आ गए और यहाँ यानी मुंबई में उन्होंने एक बहुत बड़े और शानदार स्टूडियो की बुनियाद रखी और उस स्टूडियो का नाम रखा बॉम्बे टॉकीज। 1936 में दोनों ने, देविका रानी और हिमांशु राय ने, एक फिल्म बनाई और उस फिल्म का नाम रखा जीवन नैया। हीरोइन थी देविका रानी और उनके साथ हीरो थे नजमुल हसन। वो बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत नौजवान थे। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान देविका रानी का दिल नजमुल हसन पे आ गया और वो उनके साथ फरार हो गई, भाग गई, यहाँ अपना सब कुछ छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, प्रॉपर्टी को छोड़ के और यहाँ तक के अधूरी फिल्म को छोड़ के। बॉम्बे टॉकीज में एक तहलका मच गया, सबने बड़ी भाग दौड़ की और बड़ी मुश्किल से देविका रानी को इस बात पे राज़ी किया कि कम से कम ये अधूरी फिल्म तो पूरी कर लीजिए। वो राज़ी हो गई, लेकिन नजमुल हसन को रिप्लेस कर दिया अशोक कुमार ने। और हम आपको ये भी बता दें कि अशोक कुमार जी का भी ये पहला ब्रेक था। 5 साल हुए लता, वो दिन याद है जब हम तुम पहले पहल मिले थे? 5 साल, कल की सी बात मालूम होती है, दिन जाते देर नहीं लगती। वही रूप, वही रंग, वही मतवाली आंखें। जीवन नैया के बाद देविका रानी ने अशोक कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया और उनमें से ज्यादातर फिल्में कामयाब रही, जैसे इज्जत, वचन और अछूत कन्या। में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और उसकी वजह से बॉम्बे टॉकीज को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। हिमांशु राय ये बर्दाश्त नहीं कर सके, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और 1940 में वो ये दुनिया छोड़ के चले गए 16 मई को। अपने पति की डेथ के बाद देविका रानी ने उनकी जगह ले ली और बॉम्बे टॉकीज की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली बहसियत प्रोड्यूसर। लोगों का ये सोचना और कहना था कि अपने पति की डेथ के बाद देविका रानी बॉम्बे टॉकीज की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगी, लेकिन देविका रानी ने इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया और कई सुपरहिट फिल्में बनाई, जैसे कंगन, बंधन, झूला और किस्मत। कोई कहे यहाँ चले, कोई कहे वहाँ चले, मन ने कहा पिया के गाँव चली रे, पिया के गाँव चली रे, चली रे, चली रे, मेरी नाव चली रे। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि मधुबाला को फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक दिया था देविका रानी ने 1942 में बहसियत चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी मुमताज के नाम से और उस फिल्म का नाम था बसंत। और दोस्तों, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मधुबाला का असली नाम था मुमताज जहां बेगम। देविका रानी ने असली नाम बदल दिया और फिल्मी नाम रखा मधुबाला। हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां, हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां। 1942 में मधुबाला को पहला ब्रेक देने के बाद 1944 में देविका रानी ने एक और फिल्म बनाई और उस फिल्म का नाम था ज्वार भाटा और उसमें भी देविका रानी ने एक नए लड़के को पहला ब्रेक दिया था
और उस लड़के का नाम था यूसुफ खान। देविका रानी ने उसका भी असली नाम बदल दिया और फिल्मी नाम रखा दिलीप कुमार। उम्र बढ़ने के बाद देविका रानी ने यह फैसला कर लिया कि मैं अब अपनी फिल्मों में हीरोइन के रोल नहीं करूंगी, सिर्फ फिल्में प्रोड्यूस करूंगी। लेकिन अफसोस कि बाद में उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई वो नहीं चली। इसलिए बॉम्बे टॉकीज़ के जो शेयर उनके पास थे वो सब बेच दिए और 1945 में वो फिल्मों से रिटायर हो गई। और उसी साल उन्होंने दूसरी शादी कर ली एक रशियन पेंटर के साथ। शादी के बाद दोनों मुंबई छोड़ के बेंगलोर चले गए और वहीं सेटल हो गए। उनके पास पैसों की तो कोई कमी थी नहीं, इसलिए उन्होंने बेंगलोर में बहुत प्रॉपर्टी खरीद ली, ज़मीनें खरीद ली और एक्सपोर्ट का बिजनेस करने लगे। लेकिन अफसोस कि 93 में उनके दूसरे पति की भी डेथ हो गई और वो बिल्कुल अकेली रह गई। अकेली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। और पति की डेथ के बाद साल भर बाद 1994 में देविका रानी भी ये दुनिया छोड़ के चली गई। अगर उनके पास कुछ था तो अकेलापन, बुढ़ापा, ढेर सारी प्रॉपर्टी और बेशुमार पैसा। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।